हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। अगेन वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है एनपीसी निवा फिजिक्स क्लासेस। सो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो फार वी हैव लर्न सो मैनी टॉपिक्स फ्रॉम योर चैप्टर लाइट, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। इन सभी के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, जस्ट गो टू द यूट्यूब बॉक्स एंड गो टू द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप वीडियो, प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर भी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्टली विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, जनरली हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं वो सरफेस पे इंसिडेंट होती है एंड देन रिटर्न हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ लाइट रेज जो है इंसिडेंट तो होंगी सरफेस पे, बट मैक्सिमम रेज जो हैं वो रिटर्न बैक होने के बजाय अदर मीडियम में रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, अदर मीडियम में इंटर हो जाएंगी। ओके, एंड इंटर होने के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, मीन्स जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो डेविएट हो जाएगी इट्स ओरिजिनल पाथ, इसके ओरिजिनल पाथ के कंपेयर में वो डेविएट हो जाएंगी। ओके, डेविएट होना मीन्स लाइट का जो ओरिजिनल वे है वो चेंज हो जाएगा। ओके, रिफ्रैक्शन का सिंपली मीनिंग ये है कि लाइट रेज का बैंड हो जाना इन द अदर मीडियम। ओके, सो द phenomena of bending of light at the surface separating two media is commonly known as the refraction of light. Okay, refraction of light means simply bending of light. इसके जनरली हम डेली लाइफ में जो कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं उसके थ्रू हम इस डेफिनेशन को, इस फिनोमिनन को समझने का ट्राई करेंगे। ओके, सो सपोज आप एक स्पून लेते हैं और स्पून को आपने डीप कर दिया एक वाटर से भरे हुए कंटेनर में। ओके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस सरफेस के थ्रू वाटर और एयर सेपरेट हुए हैं उस सरफेस पर आपको वो जो स्पून है वो डिसजॉइंट अपीयर होगा। ओके, तो ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ एक लाइट का फिनोमिनन वर्क करता है एंड दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। आप अगर एक बाउल में वाटर लेते हैं और एक कॉइन जो है वो एकदम आपको सीधे ही इंटर करना है, आपको हाफ कॉइन एयर में रखना है अदर मीडियम में एंड हाफ कॉइन वाटर में रखना, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर में फिल पार्ट है कॉइन का वो एनलार्ज सा दिखाई देता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ डेली लाइफ के बहुत सारे फिनोमिनास ऐसे हैं जिनमें ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर होता है। ओके, अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इस डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, एक सरफेस है और सरफेस जो है वो सेपरेट करती है टू मीडिया को, दिस इज द एयर मीडिया एंड दिस इज द वाटर मीडिया। ओके, यहाँ पर एयर है एंड यहाँ पर वाटर है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट मीडिया। ओके, अब हमने क्या किया कि लाइट रेस को इंसिडेंट किया ऑन द सरफेस एक्स वाई। ओके, सपोज पी क्यू इज द इंसिडेंट रे एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट पॉइंट क्यू। ओके, एंड इट विल रिफ्लेक्टेड इन दिस वे क्यू आर, क्यू आर एज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, एन एन डैश इज द नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जनरली, हमने रिफ्लेक्शन में भी किया है, तो उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वॉट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है और यहाँ जो बैंडिंग ऑफ लाइट है वो टूअर्ड्स नॉर्मल ही क्यों हुई। ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम
आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे. ओके एंड यस द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. यस द नेक्स्ट वन इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो जनरली इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को हमने फिजिक्स लैब में हमारी किया है. ओके प्रैक्टिकल के थ्रू हमने ये पूरा पॉइंट क्लियर किया है. यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्लास स्लैब लेते हैं हम, और जिसके थ्रू हम ये जो रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है ये पूरा प्रैक्टिकल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं. तो वी हैव अ ग्लास स्लैब ए बी सी डी. ओके ए बी एंड सी डी सरफेस जो है वो सेपरेट करती है टू मीडिया को. ओके हियर यू कैन सी All this media will be the air and this will be the glass. Okay, यहाँ हम air to glass जाएंगे and यहाँ glass to air. वो किस तरह से होगा वो चीज़ हम पूरी यहाँ पर सीखते हैं. ओके तो देखिए first of all हमने light rays को incident करवाया on the surface AB. Okay, and EF is the incident ray. It is incident on a surface AB at point O. Okay, अब हमने ओ से नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल ये एन एन डैश हुआ, और नॉर्मल जनरली परपेंडिकुलर लाइन होता है सरफेस पे. तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन हमने एन एन डैश जो कि नॉर्मल है वो ड्रॉ किया. ओके नाउ द लाइट रेज ई एफ इंसिडेंट ऑन अ पॉइंट ओ एट द सरफेस ए बी एंड इट विल बी द रिफ्लेक्टेड इन दिस वे एज अ रे ओ ओ डैश. ओके मीन्स ओ ओ डैश में रिफ्लेक्टेड हो गई है ई एफ रेज. ओके अगर आप ई एफ रेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो ये इस तरह से आपको अपीयर होगा. ओके एक्चुअल पाथ तो ये है, बट यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमिना हुआ है तो लाइट बेंड हो गई है और वो लाइट जो है वो इस वे में चली गई है. ओके अब यहाँ पर सी डी जो सरफेस है यहाँ से भी क्या होगा रिफ्रैक्शन फिनोमिना अकर होगा. तो यहां से क्या हुआ कि जब ओडेश पर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट होती है तो ये जो है ये इंसिडेंट रे हो गई इस सरफेस के लिए. ओ ओडेश इज द इंसिडेंट रे टू द सरफेस सी डी. ओके एंड इट विल बी अगेन रिफ्लेक्टेड इन दिस वे ओडेश एच और वी कैन से जी एच. ओके जी एच जो रेज है वो अगेन रिफ्रैक्टेड हो गई है और लास्ट में ये जो रिफ्रैक्टेड वाली जो रेज है इसी को बोलते हैं हम इमर्जेंट रे. तो इस तरह से अगर आप ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं और ये जो आपका ओरिजिनल रे है इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये दोनों पैरेलल होंगी. ओके ये दोनों क्या होंगी पैरेलल होंगी. जब हम टू पर्टिकुलर मीडिया लेते हैं मींस एयर एंड ग्लास लिया है यहाँ पे तो टू मीडिया के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है. ओके तो इस चीज को हम प्रैक्टिकल लैब में इस तरह से लेते हैं कि एक ग्लास स्लैब लेते हैं हम और काफ़ी सारी पिंस लेते हैं. ग्लास स्लैब को आप एक प्लेन पेपर के ऊपर रख कर उसके आगे फ्रंट में टू पिंस लगा देते हैं. जैसे ये ई एफ पिन यहाँ पर ई पॉइंट पर एक पिन लगाई, एक पिन एफ पॉइंट पर लगाई और ग्लास स्लैब के थ्रू हम इसका इमेज देखते हैं तो इमेज यहाँ जी एच पर आता है. ओके तो यहाँ पर आप पिन लगाकर उसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं. तो ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. ओके तो आपने यहाँ पर ये सीखा है कि जब हम एयर टू ग्लास इंसिडेंट करवाते हैं रेस को तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है एंड बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल. बट हम जब ग्लास से एयर पर जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है. ओके यहाँ पर ये वाला जो आप देख सकते हैं रेज जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है. इसका जो ओरिजिनल पाथ है दैट इज इन दिस वे, बट ये जो पाथ है ये डेविएट पाथ है, रिफ्रैक्टेड पाथ है. तो ये चीज़ें क्यों हुई वो हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया वैसे ही यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. ओके
ये सभी जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इंसिडेंस रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ओके ये पॉइंट जो ओ है वो इंसिडेंस पॉइंट है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे भी मिल रही है, नॉर्मल भी है एंड रिफ्रैक्टेड रे भी, और सभी ये जो है सेम प्लेन पर हैं। ओके सेकेंड पॉइंट विल बी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। ओके मीन्स अगर आप इंसिडेंस एंगल का साइन लेंगे एंड रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन लेंगे तो वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कॉन्स्टेंट है, एंड दैट कॉन्स्टेंट विल बी कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके इस कॉन्स्टेंट टर्म को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और इजीली समझ सकते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। ओके सो लेट्स सी, ओके द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जनरली हम बात करें एयर एंड वैक्यूम की, तो स्पीड जो है वो अप्रोक्स सेम होती है इन एयर एज वेल एज वैक्यूम में, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर एंड मीडियम में सेम होती है, बट अगर हम बात करें अदर मीडिया की, फॉर एग्जाम्पल वाटर और ग्लास लें, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। ओके वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने मीडिया चेंज कर दिया। सो द अमाउंट ऑफ द डिक्रीजेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया। जो भी आप मीडिया ले रहे हैं, आप चाहे ग्लास लें या वाटर, उस मीडिया की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा आपका लाइट की स्पीड। ओके अब लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू आपने एक ए ओ इंसिडेंस रे लिया, ओके इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, एंड देन अदर इट विल बी द रिफ्रैक्टेड इन दिस वे ओ बी एज अ रिफ्रैक्टेड रे, एंड आई विल बी द इंसिडेंस एंगल एंड आर विल बी द रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ मीडियम वन एयर है एंड मीडियम टू ग्लास है, तो जब आप रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाते हैं तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बट अगर आप इसका ऑपोजिट करें मीन्स आप डेंसर टू रेयर जाएं तो यही रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ओके बात आई समझ में, अगर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, बट अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट पर किस तरह से डिपेंड करता है। सो बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारी बुक्स में इसे ईटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके सो हम लोग इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन टू वन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ओके मीन्स मीडियम टू जो है उसके रिस्पेक्ट में वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू। वी वन इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट इन मीडियम वन एंड वी टू इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट इन मीडियम टू। ओके सो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। नाउ द अदर वन इज एन वन टू, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ओके मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है मीडियम को विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम। ओके एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन। ओके वी टू इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू एंड वी वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो यहाँ पर एन टू वन एंड एन वन टू को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एन टू वन एंड एन वन टू आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया। एंड फॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया मीन्स आप अगर पर्टिकुलर टू मीडिया लेते हैं, मीन्स आपने एक तो
एयर लिया या फिर एयर को आप वैक्यूम भी सपोज कर सकते हैं, ये तो फिक्स है। अदर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मीडिया ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, और भी दूसरा मीडिया ले सकते हैं। तो एक फिक्स है, एयर तो एक फिक्स मीडिया है एज कम्पेयर टू द अदर मीडिया आप कोई भी ले सकते हैं। तो उस केस में जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है देन आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन एम मीन्स मीडियम ऑफ द गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी एंड इन मीडियम इज गोइंग टू बी वी। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एब्सोल्यूट टर्म। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और वो किस वजह से, उनके डेंस प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, सो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज ऑल अबाउट द 1.00, आइस 1.31 एंड वाटर इज 1.33 एंड ग्लास 1.52 एंड एट लास्ट डायमंड 2.42। तो यहाँ देखेंगे आप डायमंड का सबसे ज़्यादा, इन सभी के कंपेयर में डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, तो जैसे जैसे आप मीडियम जो है वो डेंस करते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीजेस होता जाएगा। ओके, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में ये बात नोटिस की होगी कि जैसे जैसे डेंसर मीडियम बढ़ता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका बढ़ता जाएगा। ओके, ये जो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है बस यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो बस आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें, क्योंकि लाइक तो बनता ही है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।